ड्रीम इलेवन से राज मिस्त्री की चमकी किस्मत, रातों रात बना करोड़पति, इतने साल से लगा रहा था टिक। क्रिकेट प्रेमियों पर इंडियन प्रीमियर लीग की खुमारी जारी है। इस साल का खिताब अपने नाम करने के लिए क्रिकेटी में खेल के मैदान पर एक दूसरे से हर रोज भिड़ रही हैं। वहीं फैंटेसी लीग, ड्रीम इलेवन व अन्य प्लेटफॉर्म पर टीम बनाकर खेलने वाले कई लोग अब तक करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर किसी की किस्मत चमक रही हो, क्योंकि जुए, सट्टे या लॉटरी के बारे में ये बात भी शत प्रतिशत सच ही है कि जब हजारों लाखों लोगों के पैसे डूबते हैं तब जाकर कुछ गिने चुने लोग मालामाल होते हैं। खैर, ये तो रही जुए सट्टे के नफे नुकसान की बात। वहीं इस बार उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले हरीश आर्य की किस्मत चमकी है। उन्होंने ड्रीम इलेवन पर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। हरीश के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। हरीश आर्य नैनीताल जिले के काला ढूंगी क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं। पेशे से वो राजमिस्त्री हैं। उनके पिता कैलाश आर्य भी राजमिस्त्री का काम करते हैं। हरीश ने कहा कि वो करीब 6 साल से ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहे हैं। सोमवार के आईपीएल मैच में भी उन्होंने टीम बनाई थी। इस बार उनकी किस्मत चमकी। उनकी टीम ने काफी पॉइंट अर्जित किए और वो 1 करोड़ रुपए जीत गए। जीत के बाद एक बार के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वो करोड़पति बन गए हैं। इस खुशी में उनका पूरा परिवार पूरी रात नहीं सोया। हरीश ने आगे कहा कि अब उनका सपना पूरा हो गया है। जीत की रकम से वो अपना घर बनाएंगे, अपनी बहन की धूमधाम से शादी करेंगे और अपने लिए एक दुकान खोलेंगे। हरीश के 1 करोड़ रुपए जीतने की खबर मिलते ही आसपास के लोग परिवार को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा के प्रशांत भी बने 1 करोड़पति। गौरतलब है कि 24 मार्च को खेले गए आईपीएल मैच में अल्मोड़ा के रहने वाले प्रशांत बोरा ने भी 1 करोड़ रुपए जीते थे। प्रशांत ने कहा कि वो अल्मोड़ा के धारा नौला क्षेत्र में रहते हैं। वो 2017 से ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहे थे। वो कई बार ड्रीम टीम में आते आते रह गए, पर उसके बावजूद भी उन्होंने गेम नहीं छोड़ा। मुंबई और गुजरात के मैच में उनकी टीम ने उन्हें 1 करोड़ रुपए जिता दिए।